अजीब मजाक बनाया हुआ है। इस चीज के पैसे मिलते हैं यार आपको? कल वसीम अकरम अगर स्टार्स बॉल में फटे तो बिल्कुल सही फटे है कि यार इनको निकालो टीम से, एक नई टीम लेके जाओ जो नहीं खेलना चाहता पाकिस्तान की तरफ से, जिसने अपनी ईगो सेटिस्फाई करनी है उसको बोलो बाहर बैठ जाओ। आपके बहुत शुक्रिया, आपने 3 साल 4 साल पाकिस्तान को सर्व कर लिया, आपने पैसा बना लिया, लीग क्रिकेट खेल ली, पैसा ही आपके लिए सब कुछ है, आपकी बड़ी मेहरबानी, आप जाएं। टैलेंटेड लड़के बैठे हुए, हम नई टीम बना लेंगे। हारेंगे ना, अभी भी तो हार ही रहे हैं, नए लड़कों से हार जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, पाकिस्तान से मैं हूं फैसल, आप लोग देख रहे हैं फैसल मानी क्रिकेट शो। ऑफ द फील्ड जो खबरें आ रही हैं बहुत ही डिसअपॉइंटिंग खबरें आ रही हैं। बिलीव करें कि एज ए पाकिस्तानी शर्म आ रही है कि हमारी टीम जो कि इस वतन के लिए खेलती है, इस मुल्क के लिए खेलती है, ये कर क्या रही है अमेरिका में जाके। इनको कोई ख्याल नहीं है कि पाकिस्तानी टीम की इज्जत रखनी है। पाकिस्तानी टीम चले अच्छा नहीं कर रही तो ऑफ द फील्ड से जो खबरें आ रही हैं उससे तो पाकिस्तानी टीम की मजीद जगह सही हो रही है। पाकिस्तानी टीम का जो हाल ऑफ द फील्ड, जो लड़ाइयाँ झगड़े, अब तो किसी से ढकी की बात ही नहीं है कि ग्रुप जिस तरह ओपनली सामने आ गए हैं, जिस तरह शाहीन और बाबर की लड़ाइयाँ सामने आ रही हैं, जिस तरीके से वो आपस में बात नहीं कर रहे। देखिए, भेजने वालों पर भी मैं कहता हूँ आफरीन है। जब आपको पता था, हमें तो अब पता लग रहा है ना कि मसले मसाइल ये थे टीम में, आपने तो जी ऑल इज़ वेल और सब एक पेज पर है, ये तो पाकिस्तान का ये बड़ा मसला है यार। जब सब एक पेज पे होते हैं ना तो पेज ऐसा फटता है, वो पॉलिटिशियन हो वर्सेस एस्टेब्लिशमेंट, वो भी एक पेज पे होते हैं, एकदम से ऐसा पेज फटता है कि फिर उसके बाद जो है वो संभाला नहीं जाता। और पाकिस्तानी टीम में भी वही हो रहा है कि जब एक पेज की बात हो रही थी, यूनिटी की बात हो रही थी, दिखाया जा रहा था कि हम एक पेज पे हैं, ऐसी यूनिटी है कि ऐसी मिसाल दी जाती थी कि कभी ऐसी यूनिटी नहीं हुई। और आज ये हालात है कि पाकिस्तान की तारीख में इतनी बुरी जो है वो खबरें नहीं आ रही कि प्लेयर्स आपस में 3 से 4 ग्रुप्स में बटे हुए हैं। और कौन सी स्टेज पे बटे हुए हैं? जब आपका वर्ल्ड कप चल रहा है, जब आपका सब कुछ स्टेज पे लगा हुआ है, जब आपका वतन, जब आप वर्ल्ड कप के लिए खेलने गए हैं, तब आप फटे हुए हैं आपस में। यार अजीब बात है, शर्म का मुकाम है। आपको सीखना चाहिए इंडिया से। देखिए, इंडिया भी तो हमारे जैसा ही कल्चर है ना। देखिए, यूनाइटी कैसे कैसे यूनिटी है उनके अंदर। फॉर्मर जो उनके कोच थे रवि शास्त्री, वो जाके ऋषभ पंत को अवार्ड दे रहे हैं। देखिए, पुराने कोच थे, नए कोच आते, उस पर ब्लेम गेम डालते रवि शास्त्री पे, बड़ा आसान था आपस में लड़ाइयाँ झगड़े उनमें भी करना। लेकिन एक कोच आया है, दूसरे ने आके उसको सपोर्ट किया है। प्लेयर्स की कभी आपने ऐसी बात सुनी है कि एक दूसरे की टांगे खेल रही हो? विराट कोहली जो है रोहित शर्मा को सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी विराट कोहली की कप्तानी नहीं गई। यार ये बच्चों वाली हरकतें हैं। ये क्रिकेट, पाकिस्तान क्रिकेट इस तरह से चलेगी? पाकिस्तान क्रिकेट को आप रिप्रेजेंट करें? मैं तो कहता हूं कि अगर ये टूर्नामेंट ना चल रहा होता और पाकिस्तान की इज्जत का ख्याल ना होता ना, अभी इन सबको वापस बुलाते, अभी ये पाकिस्तान से खेलना डिजर्व ही नहीं करते, अभी इन सबको वापस बुलाते और इनको सजाएं देते, इन पे बैन लगाते, इनको लाइव बैन कर देते। ये जो लड़ रहे हैं आपस में, ये जो बच्चों वाली हरकतें कर रहे हैं, इन सबकी क्रिकेट करियर खत्म कर देते। हमें नहीं चाहिए। देखे, हमें इनसे 2-4 जीते नहीं चाहिए, ये सुपरस्टार हमें नहीं चाहिए जो पाकिस्तान का नाम खराब कर रहे हैं। इनको निकाल बाहर करके जब टूर्नामेंट खत्म होगा तब तो करें ही करें। देखिए, इनको अब आपने पाकिस्तानी फैंस ने सपोर्ट नहीं करना, जो खबरें वहां से आ रही हैं, ये पाकिस्तान का नाम डुबो रहे हैं, ये पाकिस्तान का नाम, पाकिस्तान के नाम का पैसा खाते हैं, पाकिस्तान के नाम का एंजॉय करते हैं, लेकिन नाम भी पाकिस्तान का खराब हो रहा है। इनको कोई टेंशन नहीं है, ये अपनी रंजिशों की वजह से, देखिए अपनी रंजिशें इनकी पाकिस्तान से बड़ी है क्या? क्या हो क्या गया इन लोगों को कि यार पाकिस्तान का ख्याल नहीं है कि पाकिस्तान का आप रिप्रेजेंट करें? चले, अगर आपके पास डिफरेंसेस है भी तो वर्ल्ड कप तो गुजार लें, वर्ल्ड कप के बाद अपने जो भी आपके रंडे रोने हैं वो रो लीजिएगा। लेकिन आप जिस तरीके की वहां से खबरें आ रही हैं, उधर जो नेट्स में लोग लड़ रहे हैं आपस में, ड्रेसिंग रूम में आपस में बात नहीं कर रहे, इस तरीके से वर्ल्ड कप जीते जाते हैं, ये तैयारी थी? भेजने वालों पर अफरीन है, भेजने वालों को नहीं पता था कि ये मसले मसाइल हैं? मीडिया के सामने तो अब आए हैं। एक एक बंदे की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए जिन्होंने जबरदस्ती ये टीम बनाई है, जिन्होंने, देखे 2-3 महीने पहले जो क्रिटिसिज्म कर रहे थे कप्तान पे, वही टीम में जब आएंगे तो यही लात होंगे। जो एक बंदा कह रहा था, एक जो सिलेक्टर बने हुए हैं, वो कहते थे बाबर की टीम में जगह ही नहीं है, बाबर जो T20 का प्लेयर ही नहीं है जो सिलेक्टर कर रहे, और उन्होंने ही कप्तान उसको सिलेक्ट कर लिया। मसले मसाइल समझ से बाहर है कि ये मसले मसाइल, देखे एक आवाज होती है, एक आपकी बंदे की थॉट होती है, जब आप टीवी पे बैठे हुए हैं आपकी थॉट और है, जब आपको एक ओहदा मिल गया आप यूटर्न लेके बैठ जाते हैं और आप उसको, जिसको आप कह रहे हैं कि जिसकी T20 में जगह नहीं बनती उसको आपने कप्तान बना दिया, फिर ये बातें तो होंगी? आपके 2 प्लेयर जो टीवी पर बैठे पूरा पूरा प्रोग्राम कर रहे हैं, जी इसकी स्ट्राइक रेट देखें, बाबर आजम की स्ट्राइक रेट ही नहीं है T20 क्रिकेट वाली, इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर की बात करो, इसकी तो T20 में जगह ही नहीं बनती, और उसी की कप्तानी के नीचे आप उनको खिला रहे हैं। यार ये खिलाने वालों की भी ना समझी है ना,
ये सिर्फ उसकी टीम का मसला नहीं है, मैनेजमेंट से स्टार्ट हुआ है। और फिर जब टीम ऐसी इकट्ठी होगी, दो एक सीरीज देंगे आप शाहीन अफरीदी को, उसके बाद निकाल के बाबर आजम को वापस ले आएंगे, और रिजवान को अब जो जो तड़प रहा है, जो फड़क रहा है इस टाइम के मुझे कप्तानी दे दो, उसको कप्तानी का इतना शौक लगा हुआ है इस टाइम के, देखिए वो कह रहा है कि मुझे वाइस कप्तान भी नहीं बनाया, अब इस टाइम वो कप्तानी पे नजरें जमा के बैठा हुआ है कि मुझे कप्तान बनना है। तो जब तीन दिन आपके कप्तान शाहीन अफरीदी, बाबर आजम जो ख्वाहिशमंद हो गए कप्तान बनाओ, और रिजवान, जब तीन ग्रुप में टीम बटी होगी तो वर्ल्ड कप में कैसे अच्छा करेगी, कभी भी नहीं कर सकती। ये हमें चीज़ों अब समझ आ रही है, वाजे हो रही हैं। अभी तो फॉर्मर क्रिकेटर्स चुप हैं क्योंकि वर्ल्ड कप चल रहा है, पाकिस्तान की इज्जत का ख्याल किया हुआ है, जर्नलिस्ट भी चुप हैं, हमें भी काफ़ी चीज़ें पता है अंदर की, लेकिन जो न्यूज़ आ रही हैं वो अच्छी न्यूज़ नहीं है पाकिस्तान के लिए, बहुत बुरी न्यूज़ आ रही है। जो अंदर ड्रेसिंग रूम का माहौल है, मौजदा ही होगा पाकिस्तान अगले आगे पहुंचे और कुछ बेहतर कर जाए, बहुत बड़ा मौजदा। एक तो अब तो हम वैसे भी रिलायबल हैं अमेरिका की हार पे, तो अगर वो नहीं मिलती तो वापस आने के बाद ऐसा पंडोरा बॉक्स खुल रहा है जिस तरह एक बड़ी सर्जरी की बात हुई है ना, जिन्होंने सर्जरी की बात की है वो भी जिस तरीके से आए हैं, वो भी मैं उससे भी अग्री नहीं करता। आपका जो प्राइम मिनिस्टर है वो आपको जब एक ऊपर से बंदा उठा के विदाउट एनी कहते हो कि सिलेक्शन आपको चेयरमैन बनाता है, उससे भी मैं अग्री नहीं करता, लेकिन जो उन्होंने बात की है जी बड़ी सर्जरी होगी, वो खुद जिस तरीके से आए, जिस तरीके से उन्होंने वहाब रियाज को लगाया है, अपनी दोस्ती यारी उन्होंने भी निभाई है, तो सर्जरी अगर करनी है ना बड़ी वाली सर्जरी, तो अपने से स्टार्ट करनी पड़ेगी आपको। ऐसा नहीं हो सकता कि आप चार प्लेयर्स निकाल दें और उसके बाद कहे जी सिलेक्शन कमेटी तय कर दें और अपने आप को अकाउंटेबल न ठहराएं, आप खुद भी अकाउंटेबल हैं जिस तरीके से आपने वहाब रियाज को लगाया, वहाब रियाज ने जिस तरीके से बदले लिए हैं टीम में आके, अजीब मजाक बनाया हुआ है। इस चीज़ के पैसे मिलते हैं यार आपको, कल वसीम अकरम अगर स्टार्स बॉल में फटे तो बिल्कुल सही फटे कि यार इनको निकालो टीम से, एक नई टीम लेके जाओ जो नहीं खेलना चाहता पाकिस्तान की तरफ से, जिसने अपनी ईगो सेटिस्फाई करनी है उसको बोलो बाहर बैठ जाओ, आपके बहुत शुक्रिया, आपने तीन साल चार साल पाकिस्तान को सर्व कर लिया, आपने पैसा बना लिया, लीग क्रिकेट खेल ली, पैसा ही आपके लिए सब कुछ है, आपकी बड़ी मेहरबानी, आप जाएं, टैलेंटेड लड़के बैठे हुए, हम नई टीम बना लेंगे, हारेंगे ना, अभी भी तो हार ही रहे हैं, नए लड़कों से हार जाएंगे, शायद कोई नया ट्रेनर मिल जाए, शायद कोई बेहतरी आ जाए, लेकिन इन चले हुए कारतूसों से कोई फायदा नहीं है, कोई आपको फायदा नहीं मिलने वाला। अगर ये अभी आपको कुछ नहीं जिता सके ना, हम इंडिया के बारे में बात करते हैं कि इंडिया के अगर लेजेंड अच्छे प्लेयर जितने भी हैं 10 साल में अगर चैंपियंस कोई आईसीसी टूर्नामेंट नहीं जिता सके तो आगे भी उम्मीद नहीं है इनसे। इंडिया वालों को भी चाहिए कि अब नया एक फ्रेश ब्लड की तरफ जाएं। ठीक है इंडिया की परफॉर्मेंस अच्छी है, जो इंडिया की तरफ से खेल रहे हैं, लेजेंड खेल रहे हैं, लेकिन इंडिया को भी अब मूव ऑन करना पड़ेगा। और सेम पाकिस्तान के तो मसले ही हो रहे हैं, अगर पाकिस्तान के ये घटिया प्लेयर पाकिस्तान को कुछ नहीं जिता सके अब तक 6 साल में, कोई जिताने के बजाय आपको नीचे लेके गए हैं, जिम्बाब्वे से हरवा दिया, आयरलैंड से हरवा दिया, अफगानिस्तान से हरवा दिया, यूएसए से हरवा दिया, नीचे लेके जा रहे हैं, तो अगर ये यहाँ तक ले गए तो और नीचे लेके जाएंगे, इससे बेहतरी की उम्मीद नहीं है इनसे, आप बेहतरी की उम्मीद इनसे ना रखें, आप इनको किकआउट करें, इनको सजाएं दें। बात करनी थी पाकिस्तान वर्सेज कनाडा की, लेकिन इस टाइम खून खोल रहे हैं इस टाइम। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में मैच के रिजल्ट के साथ, और मैच के दौरान लाइव भी आएंगे, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।